Good morning, student. This is our anaphysio class in which we are going to study about the endocrine system. In our previous class, we study about the hormones, what is hormone, the characteristic features of hormones, chemical nature of hormones and mechanism of hormones. हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी पहली क्लास में? सबसे पहली क्लास में तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कितनी ग्लैंड्स इसके अंदर आती हैं, कितनी तरह की ग्लैंड्स होती हैं, फिर उन ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, हॉर्मोन्स के करैक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े, उनका केमिकल नेचर पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ा था. हमने केमिकल नेचर में पढ़ा कि हॉर्मोन्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स. एड्रिनल ग्लैंड से हमारे स्टीरॉइड्स हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं और उसके अलावा जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं. प्रोटीनेशियस हॉर्मोन जो हैं वो रिलेटिवली रैपिड इन एक्शन होते हैं, जबकि स्टीरॉयड हॉर्मोन्स रिलेटिवली स्लो होते हैं, उनको अपना एक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. अब जब हमने ये पढ़ा कि हॉर्मोन रैपिड होते हैं, स्लो होते हैं, तो इनके एक्शन को कौन कंट्रोल करता है वो भी हमें पढ़ना है. तो हमारे आज की क्लास का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन एक्शन. अब कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन एक्शन हम पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले दैट हॉर्मोन्स आर वेरी पॉटेंट सबस्टांसेस. पॉटेंट का मतलब क्या होता है? पॉटेंट हम उस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उस सबस्टांस के लिए जो अपनी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी अपना पूरा फंक्शन शो कर दे या पूरा एक्शन शो कर दे. थोड़ा सा भी अगर हॉर्मोन रिलीज हो और वो अपना कंप्लीट एक्शन उतने कम क्वांटिटी में दिखा दे तो हम उसे उसके थ्रू हम उसकी पोटेंसी को मेज़र करते हैं. तो हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत पोटेंट सबस्टांसेस हैं, वेरी पोटेंट सबस्टांसेस, मतलब विच मीन्स दैट वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अ हॉर्मोन मे हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्शन कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, या आप कहिए मेटाबॉलिक फंक्शन पर ये अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं. और उस इफ़ेक्ट को शो करने के लिए हमें बहुत कम क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. मतलब अगर थोड़े से भी अमाउंट में हॉर्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ हुआ है तो वो अपना पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर अपना एक्शन दिखा देगा. इसका मतलब हॉर्मोन्स कैसे होते हैं? पोटेंट सबस्टांसेस, वेरी पोटेंट सबस्टांसेस होते हैं. और अपनी इसी पोटेंसी की वजह से हॉर्मोन का सीक्रेशन भी जो है वो रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ही रिलीज़ हो करके जब बहुत अच्छा एक्शन दिखा रहा है तो सोचिए अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो गया हमारी बॉडी के अंदर तो इसका मतलब तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी शो करता है या कर सकता है. तो ऐसे केस में हमारी बॉडी जो है इसको रेगुलेट करती है कि जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतनी ही इसका जो सीक्रीशन है हमारी बॉडी में हो पाए. और ये जो रेगुलेशन है ये भी एक बहुत नैरो लिमिट के अंदर इसका रेगुलेशन चल रहा होता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टासिस को मेंटेन रखा जा सके. तो हमने क्या बोला, ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ये क्या कहना चाह रही है कि हॉर्मोन्स बिकॉज ऑफ देयर पोटेंसी हॉर्मोन सीक्रीशन मस्ट बी रेगुलेटेड विद इन वेरी नैरो लिमिट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन होम्योस्टासिस इन द बॉडी. बॉडी में होम्योस्टासिस, होम्योस्टासिस किसे कहते हैं? बैलेंस को कहते हैं. तो हमारी बॉडी में बैलेंस को बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने का क्या मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है केवल उतना ही हॉर्मोन रिलीज़ हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा हो गया तो बॉडी में इम्बैलेंस आ जाएगा. तो जितना बॉडी में रिक्वायरमेंट है
उतना ही रिलीज हो, उस होम्योस्टासिस को मेंटेन करना हमारी बॉडी का काम है और वो एक बहुत नैरो लिमिट में इसको रेगुलेट करती है। क्यों कर रही है? इसकी पोटेंसी की वजह से। अब नेक्स्ट कि ये जो रेगुलेशन है वो कैसे चल रहा है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कई फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। उन फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये रेगुलेट हो रहा होता है हार्मोन का सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, हम इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है जब उतना रिलीज हो गया तो ये बॉडी हमारी बोल देती है उस ग्लैंड को कि बस हो गया, अब तुम अपना सिक्रीशन बंद करो। बंद करो मतलब उसने रोका, मना किया सिक्रीशन को, तो ना करने की वजह से हम इस मैकेनिज्म को नेगेटिव मैकेनिज्म कहते हैं। और क्या चीज़ नेगेटिव है? कि हमारी बॉडी उसको फीडबैक दे रही है कि जितना आपने दिया था उतना हमारे लिए सफिशेंट है, आगे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? मैनी हॉर्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय सम फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम अ ग्लैंड इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्टांस दैट इट रेगुलेट्स। मतलब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये जो पूरा सिस्टम हमारे अंदर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं किसके लिए? कि जो सबस्टांस वो रिलीज़ कर रही हैं उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि कभी भी ज़्यादा या कभी भी कम उसने रिलीज़ कर दिया। ग्लैंड बहुत सेंसिटिव होती हैं सबस्टांस के कंसंट्रेशन के लिए जिसको वो रेगुलेट कर रही है। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो रिवर्सल करता है इंक्रीज़ को भी और डिक्रीज़ को भी बॉडी में कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कि भाई अगर हमारे को हार्मोन की ज़रूरत है ज़्यादा तो वो ग्लैंड को कहेगा कि भाई ज़्यादा रिलीज़ करिए, और अगर कम ज़रूरत है तो बॉडी को कहेगा कम रिलीज़ करिए। सो अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम causes a reversal of increases and decreases in the body conditions in order to maintain a state of stability or homeostasis। तो ये हार्मोन कम या ज़्यादा क्यों सीक्रेट करने के लिए कह रहा है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर होम्योस्टासिस को मेंटेन करना चाहते हैं। ये बॉडी में जो स्टेबिलिटी की स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे अंदर चलता है। बट सम एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हॉर्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू अदर हॉर्मोन्स। भाई कुछ ग्लैंड्स तो ठीक है कि बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने हॉर्मोन्स को रिलीज़ किया और उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने कंट्रोल किया, पर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो दूसरे हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स के फॉर्म में खुद हॉर्मोन को सीक्रेट करती हैं। एंड द हॉर्मोन दैट कॉज सीक्रेशन ऑफ अदर हॉर्मोन्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। तो इसका क्या मतलब है? कि जब किसी ग्लैंड ने एक हार्मोन सीक्रेट किया, उस हार्मोन की वजह से दूसरी ग्लैंड दूसरा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, तो इस केस में हम उस पहले वाले हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे। पहले वाला वो हार्मोन जिसने दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिम्युलेट किया वो ट्रॉपिक हार्मोन्स कहलाएगा। अ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड ए causes gland B to secrete its hormone। मतलब एक हार्मोन जो ग्लैंड ए से सीक्रेट हुआ उसने ग्लैंड बी को स्टिम्युलेट किया कि वो भी अपने हार्मोन को रिलीज करे। तो ये दूसरा तरीका है बॉडी में होम्योस्टासिस को मेंटेन करने का। और थर्ड मेथड क्या है? अ थर्ड मेथड ऑफ रेगुलेटिंग हार्मोन सीक्रेशन इज बाय डायरेक्ट नर्वस स्टिम्युलेशन। कि हमारे नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर कि कितना हार्मोन रिलीज होना है। अ नर्व स्टिम्युलस कॉजेज ग्लैंड ए टू सीक्रेट इट्स हार्मोन। मतलब उसमें नर्व जो है पहले ग्लैंड ए को कह रही है कि भाई आप हार्मोन सीक्रेट करो। अब मे बी के उस ग्लैंड ए की वजह से ग्लैंड बी स्टिम्युलेट हो और मे नॉट बी के वो स्टिम्युलेट हो। तो हमने
आज जो टॉपिक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हार्मोन के एक्शन को कंट्रोल कौन करता है। हार्मोन क्या चीज़ है? एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं, बॉडी में बहुत तरह के एक्शंस और फंक्शंस कर रहे होते हैं। सभी ग्लैंड्स के, सभी हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, और ये जो फंक्शंस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हमने पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबस्टांसेस है, मतलब ये थोड़े से अमाउंट में भी बहुत अच्छा अपना एक्शन दिखाते हैं, और बॉडी में इनके सिक्रीशन को इसी वजह से रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बॉडी का होम्योस्टासिस मेंटेन रह सके। बहुत सारे हॉर्मोन्स को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स को ट्रॉपिक हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, और बहुतों को नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये तीन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में हॉर्मोन को मेंटेन करने के लिए: नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ट्रॉपिक हॉर्मोन मैकेनिज्म, और नर्वस रेगुलेशन और नर्व कंट्रोल और वीकेंड से नर्वस स्टिम्युलेशन। तो ये तीन तरह के टॉपिक हमने आज पढ़े हैं हार्मोन के बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए। इससे पहले हमने हार्मोन्स का केमिकल नेचर पढ़ा था, हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था। केमिकल नेचर में हमने कहा प्रोटीन्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। मैकेनिज्म में हमने कहा था कि ये अपना हार्मोन जब एक्शन दिखाते हैं तो वो स्पेसिफिक सेल पर ही दिखाते हैं, उस सेल पर जिस पे इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और अगर बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं तो हम उसको टारगेट सेल ना कह करके टारगेट टिश्यू कहते हैं। मतलब वो सेल्स जिनके ऊपर रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर उन हॉर्मोन्स के लिए पाए जाते हैं, तो वो सेल कहलाती है टारगेट सेल, और अगर एंटायर टिश्यू उसके अंदर इन्वॉल्व है तो हम उसे कहते हैं टारगेट टिश्यू। मतलब हार्मोन अपने एक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी टारगेट सेल या किसी टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू या टारगेट पार्ट के ऊपर अपना एक्शन दिखा रहे होते हैं। मे बी कि वो टारगेट टिश्यू जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पर हो तो हम उसे लोकलाइज्ड एक्शन कहते हैं, और मे बी वो बॉडी में कई पार्ट्स पे हो तो वो टारगेट टिश्यू डिफ्यूज़ भी हो सकता है, तो डिफ्यूज़ एक्शन भी उसका देखने को मिल रहा होता है। और जब ये अपने एक्शन दिखाते हैं तो उस एक्शन के थ्रू ये हार्मोन उस सेल्यूलर, उस सेल की पर्टिकुलर सेल्यूलर एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस तरह से इन हार्मोन्स का एक्शन हम देखते हैं। और हमने पढ़ा कि प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो अपना एक्शन जब दिखाते हैं तो वो काफ़ी रैपिड होते हैं, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो अपना एक्शन काफ़ी स्लो स्पीड में दिखाते हैं, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं जबकि स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं, और अंदर पाए जाने की वजह से स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस हमने देखा हुआ है कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो अपने स्लो एक्शन के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रोटीन हार्मोन्स जो है वो काफ़ी रैपिडली अपना एक्शन या अपना इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखाते हैं। तो ये था हमारे आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने जनरल हार्मोन और उसके एक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर